So good morning, guys. Am I audible? Am I audible, guys? Okay. तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. लास्ट अभी तक जो हमने क्लासेस की हैं क्रेडिट रिस्क में, मेनली हम लोगों ने बाजल के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडी मॉडल्स को डिस्कस किया था, फिर एलजीडी मॉडल्स को डिस्कस किया था और फिर ईएडी मॉडल्स को डिस्कस किया था. लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें हमने IFRS 9 स्टार्ट किया था एंड हम लोगों ने स्टेजिंग का कंसेप्ट देखा था, जहां पर स्टेज वन अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि एक्टिव अकाउंट्स हैं. कोई भी अकाउंट पहली बार ही स्टेज वन अकाउंट में जाता है. स्टेज टू अकाउंट्स वो अकाउंट्स है जिसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क हो चुका है, राइट? सो दोज अकाउंट्स विच हैव सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, दोज आर क्लासिफाइड एज स्टेज टू अकाउंट्स. एंड स्टेज थ्री अकाउंट्स वो अकाउंट्स है जो कि इम्पेयर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी, राइट? मतलब जो कि डिफॉल्टिंग कैटेगरी के अकाउंट्स है वो मेरे स्टेज थ्री अकाउंट्स होते हैं. तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या है वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. आज अपने वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं. अब हमें IFRS 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से पीडी मॉडल्स को समझना है, एलजीडी मॉडल्स को समझना है और ईएडी मॉडल्स को समझना है. क्या इसका मतलब बाजल में जो हमने पीडी एलजीडी ईएडी मॉडल सीखे IFRS 9 में उससे अलग मॉडल्स हैं? द आंसर इज यस. IFRS 9 में पीडी मॉडल्स अलग है, एलजीडी मॉडल्स अलग है, ईएडी मॉडल्स अलग है. मतलब कुछ चीजें अलग है एज कंपेयर टू बाजल, बिकॉज बाजल एक कैपिटल रेगुलेशन का स्टैंडर्ड है और हमारा जो IFRS 9 है दैट इज फॉर प्रोविजंस, अकाउंटिंग प्रोविजंस, राइट? सो दोनों में पीडी एलजीडी ईएडी की मॉडलिंग डिफरेंट है. तो आज अपने IFRS 9 को स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मली, ठीक है? लिखना प्लीज. इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड दैट ऑल द अकाउंट्स नीड टू बी क्लासिफाइड. इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड दैट ऑल द अकाउंट्स नीड टू बी क्लासिफाइड. इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड दैट ऑल द अकाउंट्स नीड टू बी क्लासिफाइड इन स्टेज वन और स्टेज टू और स्टेज थ्री. All the accounts need to be classified in stage 1 or stage 2 or stage 3. ये classification का importance क्या था? Importance अब आने वाला है. मैंने आपको जब Basel का PD model सिखाया था तो उसको याद रखने के लिए मैंने आपको बोला था आपको 5 P's याद रखने हैं. पहला P क्या होता है? Period. दूसरा P क्या होता है? Pro-cyclicality. तीसरा P क्या होता है? Pools. ये जो period है ना, period. बाजल में हम लोग क्या पीरियड लेके चलते हैं? हम लोग टीटीसी पीडी निकालते हैं फॉर द नेक्स्ट वन ईयर, क्योंकि हम अगले एक साल के लिए अपने आप को कैपिटल वाइज सफिशिएंट करना चाहते हैं. यहां पर IFRS 9 में आपको वन ईयर पीडी निकालना है या कुछ और पीडी निकालना है वो डिपेंड करेगा स्टेजेस के ऊपर. द रूल इज स्टेज वन अकाउंट्स अच्छे अकाउंट्स है, स्टेज वन अकाउंट्स अच्छे अकाउंट्स है. स्टेज वन अकाउंट्स के लिए आपको वन ईयर ईसीएल निकालना है, वन ईयर एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना है फॉर स्टेज वन अकाउंट्स. स्टेज टू अकाउंट्स जिन अकाउंट्स में SICR हो चुका है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, उसमें आपको लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकालना है, लाइफ टाइम ईसीएल. एंड स्टेज थ्री अकाउंट्स उसमें भी आपको लाइफ टाइम ईसीएल निकालना है. फॉर एग्जाम्पल एक लोन है, उस लोन का टर्म 5 years का है, तो अगर वो स्टेज वन का अकाउंट है तो चाहे वो 5 साल का हो आप उसका 1 साल का ECL निकालेंगे. मतलब 1 साल के अंदर अंदर, नेक्स्ट वन ईयर के अंदर अंदर आपको पीडी निकालना होगा और उसके अलावा एलजीडी और ईएडी, तो आपका वन ईयर का ECL आएगा. लेकिन अगर ये अकाउंट स्टेज टू होता या स्टेज थ्री होता तो आपको उसका 5 year, उसके लिए लाइफ टाइम क्या है उसका टर्म ऑफ द लोन, 5 year ECL निकालना होता, ठीक है? बिकॉज आप सब ने कभी ना कभी अकाउंटिंग पढ़ी होगी. अकाउंटिंग जो है ना, अकाउंटिंग प्रोविजंस वो फॉलो करते हैं कंजर्वेटिज्म, राइट? कंजर्वेटिज्म. तो जो अकाउंट्स मुझे लग रहा है कि खराब हो चुके हैं वहां पे कंजर्वेटिज्म क्या है, ज्यादा प्रोविजंस बनाना या कम प्रोविजन बनाना, बताओ प्लीज. ज्यादा प्रोविजन बनाना कंजर्वेटिव है या कम प्रोविजन बनाना कंजर्वेटिव है? ज्यादा प्रोविजन बनाना. तो इसीलिए हम लोग स्टेज टू अकाउंट्स के लिए और स्टेज थ्री अकाउंट्स के लिए लाइफ टाइम ECL कंप्यूट करेंगे एंड स्टेज वन अकाउंट्स के लिए हम लोग वन ईयर ECL कैलकुलेट करेंगे. तो जो पहला P है ना वो तो बहुत सिंपल है, पीरियड दैट विल डिपेंड ऑन द स्टेज.
If the account is in stage 1, we have to find out 1 year ECL. If the account is in stage 2 or stage 3, in that case, we have to find out lifetime ECL. ठीक है, लिखो आगे प्लीज. नेक्स्ट लाइन में लिखना, पी फॉर पीरियड, पी फॉर पीरियड, और उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो अंडर IFRS 9, अंडर IFRS 9 we find out 1 year ECL, या ब्रैकेट में 1 year PD, अंडर IFRS 9 we find out, दोनों डायरेक्टली लिंक्ड है, राइट, वी फाइंड आउट 1 year ECL ब्रैकेट में 1 year PD और लाइफ टाइम ECL ब्रैकेट में लाइफ टाइम PD, 1 year ECL ब्रैकेट में 1 year PD और लाइफ टाइम ECL ब्रैकेट में लाइफ टाइम PD, comma that depends on the stage in which the account is classified, that depends on the stage in which the account is classified. Likho for stage 1 accounts we calculate 1 year PD. For stage 1 accounts, we calculate 1 year PD. For stage 2 accounts, we calculate lifetime PD. For stage 2 accounts, we calculate lifetime PD. Stage 3 में बोलने के लिए lifetime है, but stage 3 में PD कितना होगा? सोच के बताओ. Stage 3 accounts में PD कितना होगा? स्टेज थ्री अकाउंट्स के लिए पीडी कितना होने वाला है? 100%, राइट. तो बोलने के लिए लाइफ टाइम बोलते हैं, बट स्टेज थ्री अकाउंट्स में सीधा 100% पीडी अप्लाई करते हैं सब लोग इंडस्ट्री में. तो लिख देना स्टेज थ्री अकाउंट्स पीडी इक्वल टू 100%. ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट हुआ कि IFRS 9 के अंदर मुझे किस पीरियड पे पीडी निकालना है. तो अगर मेरा स्टेज 1 अकाउंट है तब तो मुझे 1 ईयर पीडी निकालना है, अगर मेरा स्टेज 2 अकाउंट है तो मुझे लाइफ टाइम पीडी निकालना है, अगर वो स्टेज 3 अकाउंट है तब तो पीडी आपका डायरेक्टली 100% हो गया. सेकेंड है पी फॉर प्रो साइक्लिकलिटी. बाजल में हम लोग टीटीसी पीडी लेके चलते थे, बिकॉज हम लोग बोलते थे जो आपका कैपिटल है ना वो स्टेबल होना चाहिए, कैपिटल नीड्स टू बी स्टेबल. तो उस केस में कैपिटल कैलकुलेशन के लिए यू यूज टीटीसी पीडी. IFRS 9 क्या बोलता है कि हमें पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग पीडी यूज करना है, पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग पीडी यूज करना है, राइट. बाजल क्या बोलता था? टीटीसी पीडी. IFRS 9 क्या बोलता है? पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग पीडी. एक बार इस एक्सेल शीट को देखो, यहां पे क्वार्टर वाइज मेरे पास डेटा गिवन है, टाइम सीरीज का डेटा गिवन है, जिसमें मेरे पास डिफॉल्ट रेट्स गिवन है, ऑब्जर्व्ड डिफॉल्ट रेट्स. मैंने ये वर्ड आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कभी भी डिफॉल्ट रेट और पीडी को कंफ्यूज मत करना. डिफॉल्ट रेट इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड, जो एम्पेरिकल डेटा से आ रहा है, एंड पीडी मतलब जो मॉडल से आ रहा है, राइट. नो डाउट लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. तो ऑब्जर्व्ड डिफॉल्ट रेट इज कि सपोज मेरे पास, ऐसा मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 10,000 लोन थे, उसमें से 107 लोन्स डिफॉल्ट कर दिए बाय द एंड ऑफ ईयर, तो मेरा ऑब्जर्व्ड डिफॉल्ट रेट कितना हुआ? 1.07%, राइट. 10,000 लोन में से 107 लोन डिफॉल्ट कर दिए तो 1.07%. तो ऐसे मेरे पास हर एक क्वार्टर का ऑब्जर्व्ड डिफॉल्ट रेट गिवन है, राइट. मैं एक बार इसको प्लॉट कर रहा हूं, प्लॉट कर रहा हूं. ये मैंने प्लॉट किया, तो मुझे बताओ प्लॉट में देख के अलग अलग सालों का आपको डिफॉल्ट रेट मिल रहा है, क्या लगता है ये जो हर एक साल का कॉरेस्पॉन्डिंग डिफॉल्ट रेट है, ये एवरेज डिफॉल्ट रेट है
या ये उस साल का पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट है? व्हाट डू यू थिंक? सपोज 2000 क्वार्टर वन का डिफॉल्ट रेट इज 1.07%, कैन आई कॉल इट द एवरेज डिफॉल्ट रेट और आई कैन कॉल इट द पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट? टेल मी द पॉइंट इन टाइम, राइट? अगर मुझे एवरेज करना है तो इस केस में मैं सीधा इसका एवरेज देख सकता हूं, एवरेज आएगा 2.81%। तो अगर मैं यहां पे एक लाइन डाल दूंगा ना 2.81% पे, तो वो मेरा एक तरह से टीटीसी पीडी होगा। टीटीसी पीडी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सपोज मैं एवरेज निकालता हूं एक बारी दिखाने के लिए आपको, एवरेज आई एम चूजिंग दिस, ठीक है? नाउ आई ऐड दिस लाइन, तो मैंने ये लाइन ऐड कर दी। नाउ इसमें से कौन सा लाइन आपका पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट है, कौन सा लाइन आपका टीटीसी डिफॉल्ट रेट है? ये जो ऑरेंज लाइन है दैट इज अ टीटीसी डिफॉल्ट रेट, ठीक है? और ये जो ब्लू लाइन है दैट इज योर पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट। नाउ तो हमें यह समझ में आ गया कि हर एक साल का जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व डिफॉल्ट रेट होता है वो तो पॉइंट इन टाइम होता है। हाँ, अगर आप अक्रॉस इकोनॉमिक साइकिल्स एवरेज कर लोगे तो वो आपका टीटीसी डिफॉल्ट रेट होता है। अगर मैं खाली पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट की बात करूंगा ना, आप इमेजिन करो आप 2017 क्वार्टर फोर के एंड में खड़े हो, 2018 के बिगनिंग में आप खड़े हो, राइट? 2017 क्वार्टर फोर का मतलब क्या हो गया, दिसंबर। तो इसका मतलब आई कैन से कि आप 2018 के बिगनिंग में खड़े हो, ऐसा मान के चलो। नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं 2018 के बिगनिंग पे पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट की बात करूंगा ना, 2018 बिगनिंग में पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट की बात करूंगा तो वो है मेरा 1.14%। दैट इज माय पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट। बट इज दिस पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग डिफॉल्ट रेट? द आंसर इज नो। तो मैं फोकस किस पे करना चाह रहा हूं कि खाली पॉइंट इन टाइम की बात नहीं हो रही, पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग की बात हो रही है। अगर मैं इस पूरे लाइन का एवरेज ले लूंगा वो मेरा टीटीसी डिफॉल्ट रेट हो गया। अगर मैं हर एक साल के कॉरेस्पॉन्डिंग डिफॉल्ट रेट को देख रहा हूं तो वो मेरा पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट है, बिकॉज वो उस साल के मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से आया है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज आई एम स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर वन 2018, इन दैट केस माय पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट इज 1.14%। बट इज दिस अ पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग डिफॉल्ट रेट? द आंसर इज नो। पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग डिफॉल्ट रेट का मतलब क्या है, आपको सपोज 2018 है, उसमें क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, अलग अलग क्वार्टर्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे या जो भी फैक्टर्स आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं वो फैक्टर्स होंगे, उसके हिसाब से जो आपका डिफॉल्ट रेट आएगा, आपकी लोन बुक का डिफॉल्ट रेट आएगा, दैट इज कॉल्ड योर पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट, विच इज फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब आप फॉरवर्ड लुकिंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, फॉरवर्ड लुकिंग क्यों बोल रहे हैं, मैं तो 2018 के बिगनिंग में खड़ा हूं ना, तो वहां से मैं देख रहा हूं 2018 क्वार्टर वन के एंड में किस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, 2018 क्वार्टर टू के एंड में किस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, क्वार्टर थ्री में किस तरह के मैक्रो फैक्टर्स होंगे, क्वार्टर फोर में किस तरह के मैक्रो फैक्टर्स होंगे, एंड उसके बेसिस पे जब मैं डिफॉल्ट रेट को निकालूंगा दैट विल बी योर पॉइंट इन टाइम नो डाउट, बट पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग एज वेल, राइट? तो तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ, पॉइंट इन टाइम टीटीसी और पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग, ये डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज सब लोग क्या है पॉइंट इन टाइम और पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग को सेम मान लेते हैं। पॉइंट इन टाइम तो सिर्फ क्या है 1.14%, बट ये थोड़ा ना अगले साल के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनको रिफ्लेक्ट करते हुए अगर मैं डिफॉल्ट रेट निकालूंगा या पीडी निकालूंगा, यू कैन से दैट विल बी योर पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग पीडी, ठीक है? लिखो प्लीज। सेकेंड पॉइंट लिखो, पी फॉर प्रो साइक्लिकलिटी, पी फॉर प्रो साइक्लिकलिटी, पी फॉर प्रो साइक्लिकलिटी, इसके अंदर लिखो, ये लिख लिया ना हमने शायद, फॉर आईएफआरएस 9, फॉर आईएफआरएस 9 वी कैलकुलेट, फॉर आईएफआरएस 9 वी कैलकुलेट द पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग पीडी, फॉर आई एफ आर एस 9 वी कैलक्यूलेट द पॉइंट इन टाइम
फॉरवर्ड लुकिंग पीडी फॉर IFRS 9 वी कैलकुलेट द पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग पीडी. ठीक है, नीचे लिखो सपोज वी आर गिवन a time series of observed default rates. Suppose we are given a time series of observed default rates for each quarter. ठीक है, इसको प्लॉट करो प्लीज. इस ब्लू लाइन को प्लॉट करो और इस ऑरेंज लाइन को प्लॉट करो. तो हमारे को टाइम सीरीज गिवन है ऑब्जर्व डिफॉल्ट रेट्स का फॉर ईच क्वार्टर. ड्रॉ कर दो. ठीक है, फिर एरो टांग के लिखना. ये जो ऑरेंज लाइन है उसको क्या लिखोगे? थ्रू द साइकिल डिफॉल्ट रेट. थ्रू द साइकिल डिफॉल्ट रेट. थ्रू द साइकिल डिफॉल्ट रेट. और जो ब्लू लाइन है उसको क्या लिखोगे? पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट. पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट. ठीक है, नीचे में अगर ईयर मार्क करना है ईयर मार्क कर देना. स्टार्ट करना 2000 क्वार्टर वन से, फिर क्वार्टर टू, फिर क्वार्टर थ्री. ऐसे सारा लिखने का जरूरत नहीं है. और एंड करना सपोज 2017 क्वार्टर फोर में, बिकॉज ये एक्सेल शीट में डालने वाला हूं तो आपका रेफरेंस रहेगा 2000 क्वार्टर वन से लेकर 2017 क्वार्टर फोर. ऐसा पॉइंट्स मार्क कर दो नीचे में. और जो 2017 क्वार्टर फोर का वैल्यू है ना उसको भी मार्क कर दो 1.14%. यहां पे मार्क कर दो प्लीज 1.14%. वो 1.14% से एरो डाल के लिखना. नीचे आपने लिख दिया होगा 2017 क्वार्टर फोर और ऊपर लिख दिया होगा 1.14%. वहां से अब एरो डाल के लिखो. सपोज वी आर स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 क्वार्टर वन. सपोज वी आर स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 क्वार्टर वन. सपोज वी आर स्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 क्वार्टर वन. We can see that the point in time default rate. We can see that the point in time default rate. We can see that the point in time default rate is equal to 1.14%. Is equal to 1.14%. However, please note that this is not forward looking PITPD. This is not forward looking PITPD. However, please note that this is not forward looking PITPD. Point in time forward looking PD means, point in time forward looking PD means, point in time forward looking PD means the default rates calculated considering macroeconomic factors forward in time. Considering macroeconomic factors forward in time. ठीक है, तो जो आने वाला टाइम है, फॉरवर्ड इन टाइम मतलब आने वाले टाइम में जो मैक्रोइकोनॉमिक फैक्टर्स होगा उसको ध्यान में रखते हुए जो आप डिफॉल्ट रेट का कैलकुलेशन करेंगे या पीडी का कैलकुलेशन करेंगे वो आपका पॉइंट इन टाइम पीडी है. ठीक है, अब एक और चीज मुझे बताओ, इन डिफॉल्ट रेट्स को देख के आपको क्या लग रहा है यहां पर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होगी? बताओ ये सब इयर्स में मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होगी, अच्छी है खराब? खराब, बहुत ही खराब.
राइट, तो ये सारा आपका 2008 वाला टाइम है, 2008 वाला आप देख रहे हैं, डिफॉल्ट रेट्स एकदम से जंप किया है पूरा। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ चलता है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं तो डिफॉल्ट रेट्स कम है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है तो उस केस में डिफॉल्ट रेट्स बहुत ज्यादा शूट अप हो गए हैं। अभी इसको और स्टडी करेंगे, बट हाँ ये समझ में आ रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और डिफॉल्ट रेट्स में एक रिलेशनशिप होता है, वही हम बात कर रहे हैं, वो रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हुए एंड मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट लेते हुए अगर आप अपने पीडी को निकालोगे तो वो आपका पॉइंट इन टाइम फॉरवर्ड लुकिंग पीडी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो पी फॉर पूल्स, पी फॉर पूल्स, लिखो द कंसेप्ट ऑफ पूल्स इज सेम एज अर्लियर, द कंसेप्ट ऑफ पूल्स इज सेम एज अर्लियर। हाउएवर हाउएवर इन IFRS 9 we also need to classify the accounts into stage 1, stage 2, stage 3. दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। पूल्स तो आप बनाओगे जैसे आप बनाते हो, उसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा क्या करना है, क्लासिफाई करना है अकाउंट्स को इन स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। वो भी तो एक तरह से पूल है ना, बट वो ऐसा नहीं है कि कंपीटिंग पूल नहीं है, वो आपका होगा ही होगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, उसके साथ ये वाले पूल्स तो आप बना ही सकते हो, ठीक है। हाउएवर इन IFRS 9 वी ऑल्सो नीड टू क्लासीफाई द अकाउंट्स, वी ऑल्सो नीड टू क्लासीफाई द अकाउंट्स, ऑल्सो इंपॉर्टेंट है यहां पर, वी ऑल्सो नीड टू क्लासीफाई द अकाउंट्स इन स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, नीचे लिखना So, as per the discussion above, if an account is classified in stage 2, comma, we have to calculate lifetime PD. Precisely IFRS 9 requires modeling of term structure of PD. Important word hai. IFRS 9 requires modeling of term structure of PD over the lifetime of loan. तो आपको term structure of PD निकालना है, because stage 2 के लिए आपको क्या चाहिए, lifetime PD चाहिए। अब लाइफ टाइम आपका सपोज 5 साल का हो गया, तो 5 साल का जो पीढ़ी लेंगे ना, हम ऐसा नहीं लेंगे सीधा कि 5 साल का पीढ़ी इतना, हम लोग टर्म स्ट्रक्चर बनाएंगे कि फर्स्ट ईयर का पीढ़ी इतना, सेकंड ईयर का पीढ़ी इतना, थर्ड ईयर का पीढ़ी इतना, फोर्थ ईयर का पीढ़ी इतना, फिफ्थ ईयर का पीढ़ी इतना, और फिर उसको क्यूमुलेट करेंगे। राइट, लिखो दैट इज इफ अ लोन हैज बीन गिवन फॉर 5 years, if a loan has been given for 5 years, rather than computing the cumulative PD for 5 years directly, rather than computing
द क्यूमुलेटिव पीडी फॉर 5 ईयर्स डायरेक्टली. वी कंप्यूट द फर्स्ट ईयर पीडी, वी कंप्यूट द फर्स्ट ईयर पीडी, सेकेंड ईयर पीडी, थर्ड ईयर पीडी, वी कंप्यूट द फर्स्ट ईयर पीडी, सेकेंड ईयर पीडी, थर्ड ईयर पीडी, फोर्थ ईयर पीडी, फिफ्थ ईयर पीडी एंड देन क्यूमुलेटेड, एंड देन क्यूमुलेटेड. ठीक है, तो ये मेरा हो गया सीधा क्यूमुलेटिव पीडी ऑफ 5 ईयर्स. क्या मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा क्यूमुलेटिव पीडी ऑफ 5 ईयर्स? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर का पीडी निकालूंगा, सेकेंड ईयर का निकालूंगा, थर्ड ईयर का निकालूंगा, फोर्थ ईयर का निकालूंगा, फिफ्थ ईयर का निकालूंगा, एंड देन इसको क्यूमुलेट करूंगा. कोई इसका रीजन बता सकता है ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? करने को तो मैं सीधा कर ही सकता हूं ना, जैसे हम लोग एक्यूमुलेशन करते हैं इंटरेस्ट रेट का, उसी तरह से पीडी को तो मैं टू द पावर 5 करके निकाल ही सकता हूं 5 साल का पीडी. तो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ पीडी क्यों निकाल रहा हूं? व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन? आपको इसका आंसर आता है? सोच के बताओ. क्या रीजन है इसका? मुझे तो एक्सीलेंट शिक्षा, मुझे तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना है. हर एक साल के फर्स्ट ईयर के मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अलग होंगे, सेकंड ईयर के अलग होंगे, थर्ड ईयर के अलग होंगे, फोर्थ ईयर के अलग होंगे, फिफ्थ ईयर के अलग होंगे. यहां तो आप सीधा क्या कर रहे हो? टू द पावर 5 करके यू आर एज्यूमिंग कॉन्स्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, विच इज रॉन्ग. पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया. यहां पे पर्पस क्या है कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के हिसाब से पीडी निकालना है, एंड देन आपको उसको क्यूमुलेट करना है, बिकॉज आपको लाइफ टाइम का पीडी निकालना है. तो इसीलिए हम लोग ये वाला अप्रोच यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक टर्म स्ट्रक्चर ऑफ पीडी निकालेंगे. ड्रॉ कर दो प्लीज. ड्रॉ कर दो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ पीडी. यहां तक क्लियर है सब कुछ? आइडिया क्लियर है? अब मैं मॉडल्स के ऊपर जाऊं. मॉडल्स के ऊपर जाते हैं. वन सेकेंड. ठीक है, लिखो आगे. लिखो लेट्स नाउ डिस्कस द वेरियस पीडी मॉडल्स. लेट्स नाउ डिस्कस द वेरियस पीडी मॉडल्स मोस्ट कॉमनली यूज इन द इंडस्ट्री. मोस्ट कॉमनली यूज इन द इंडस्ट्री. अब IFRS 9 के जो स्टैंडर्ड है ना, उसमें क्लियरली ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आपको इस तरीके से पीडी निकालना है. ठीक है, सिर्फ गाइडलाइंस दी हुई है. तो इतने तरह के मॉडल्स है ना, इतने तरह के मॉडल्स हैं, आई कैनॉट टेल यू. आपको बहुत तरह की वेरिएशन मिलेंगी पीडी मॉडल्स के ऊपर. आप ब्लॉग्स पढ़ेंगे, आपको अलग मॉडल्स दिखेंगे. आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे, आपको अलग मॉडल्स मिलने वाले हैं. तो जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में मॉडल्स यूज हो रहे हैं, मैं वो 3 मॉडल्स डिस्कस करने वाला हूं. वो 3 मॉडल्स में आपको पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा, उसके आसपास वेरिएशन कुछ भी हो सकती है. ठीक है ना? तो ये मत बोलना बाद में कि हमने ये वाला मॉडल नहीं किया. आसपास वेरिएशन हो सकती है, बट जो 3 सबसे ज्यादा फेमस मॉडल्स इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. और वो फेमस मैंने सिर्फ किसी बुक या आर्टिकल में से नहीं पढ़ा है, मेरे पास एक्चुअल पेपर्स है. ठीक है, कंसल्टिंग कंपनीज के, जिनमें वो मॉडल्स मैंने रीड किए हैं कि कैसे कैसे यूज हो रहे हैं. तो सबसे पहला अप्रोच लिखो. लिखो वी विल सी 3 फेमस अप्रोचेस. वी विल सी 3 फेमस अप्रोचेस ऑफ पीडी मॉडलिंग, या 3 फेमस मॉडल्स बोल लो. पहला मॉडल है आपका जी स्कोर मॉडल, जी स्कोर मेथोडोलॉजी बोलते हैं, या मॉडल बोल लो, जी स्कोर मॉडल. दूसरा मॉडल लिखो प्लीज,
कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन टू टारगेट सेंट्रल टेंडेंसी, थ्रू लॉग ऑड्स शिफ्ट, और तीसरा लिखो स्केलर अप्रोच। ठीक है, इंडस्ट्री में ये तीन मॉडल्स ही सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं। एज आई सेड, इसके आसपास वेरिएशन हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही नया मॉडल आ जाएगा, इसके आसपास डेफिनेटली वेरिएशंस हैं, बट वो आपको समझ आ जाएंगे अगर आपको ये तीन मॉडल समझ में आ गए हैं। कौन कौन से हैं? जी स्कोर मेथोडोलॉजी, कैलिब्रेशन टू टारगेट सेंट्रल टेंडेंसी थ्रू लॉग ऑड शिफ्ट, एंड तीसरा है स्केलर अप्रोच। ये जी स्कोर मेथोडोलॉजी के लिए आपको वेसिसेक मॉडल का आइडिया होना चाहिए, जो हम लोगों ने पुरानी क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो आज अपने फर्स्ट अप्रोच को ही डिस्कस करेंगे, आज अपने कुछ बहुत ज्यादा नहीं करने वाले, फर्स्ट अप्रोच को डिटेल में समझेंगे एंड देन उसका एक्सेल साथ में देखेंगे। हाँ, एक्सेल का हैंड्स ऑन अलग से बाद में होगा, बट एक्सेल का वॉक थ्रू मैं आपको दूंगा। तो जी स्कोर मेथोडोलॉजी हेडिंग डाल दो फर्स्ट मॉडल के लिए जो आज अपने स्टार्ट करने वाले हैं, जी स्कोर मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो जी स्कोर मेथोडोलॉजी डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में वर्स्ट केस डिफॉल्ट रेट का फॉर्मूला यूज किया था उसको डिस्कस कर रहे हैं। सो WCDR लिख देना, WCDR इज इक्वल टू एन ऑफ के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो एन इनवर्स 0.001 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। ठीक है, एक चीज याद रखना, यहां पे जो 0.001 है दैट इज द वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, दिस इज द वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर। एंड मुझे बताओ ये पूरा टर्म स्क्वायर रूट ऑफ रो क्या है? इज दिस द कोरिलेशन बिटवीन लोन्स और इज दिस द कोरिलेशन बिटवीन लोन एंड मार्केट? दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन लोन एंड मार्केट, राइट? हमें जो वेसिसेक मॉडल के अंदर कोरिलेशन पैरामीटर को यूज करना है वो है कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट। जिस मर्जी तरीके से अलग अलग जगह पे नोटेशंस दिया हो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यू हैव टू सिंपली यूज द कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट। सो लेट मी राइट लाइक दिस, दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट। सेकेंडली, आप लोगों ने लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया होगा, मुझे बताओ अगर मुझे कोरिलेशन बिटवीन लोन्स गिवन है, कोरिलेशन बिटवीन लोन्स गिवन है 0.3, व्हाट विल बी द कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट? व्हाट विल बी द कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट? अगर मुझे कोरिलेशन बिटवीन लोन्स गिवन है देन व्हाट इज द कोरिलेशन बिटवीन लोन एंड मार्केट? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 0.3। तो यू नो दैट कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट इज स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों चीजें याद रखना और नोट्स में लिख लेना, चाहे जिस मर्जी तरीके से दिया हो, बिकॉज कुछ लोग बीटा यूज करते हैं, कुछ लोग इसके लिए रो यूज करेंगे, कुछ लोग इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ रो यूज करेंगे, तो बहुत अलग अलग जगह कंफ्यूजन होगा। तो आपको सिंपल बस ये याद रखना है कि पहली बात है हमें अपने फॉर्मूला के अंदर कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट यूज करना है, जिस मर्जी नोटेशन में वो दिया हो। सेकेंडली, अगर मुझे कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट डायरेक्टली नहीं दिया, मुझे कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड लोन्स दे दिया है, तो बिटवीन लोन्स एंड मार्केट क्या होता है? इट इज सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन लोन्स। ये दो चीजें अगर आप याद रखोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आज के बाद। इज दिस क्लियर नाउ? क्लियर है ये? एंड जो 0.001 है, दिस इज द वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर। लेट मी राइट लाइक दिस, वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर। प्रिमाइसिस क्या था इस मॉडल का? प्रिमाइसिस ये था कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि
जो भी लोन हमने प्रोवाइड किया है, जो जिस भी बिजनेस को हमने लोन दिया है, उस बिजनेस के कुछ एसेट्स होंगे और उन एसेट से कुछ रिटर्न्स जनरेट होगा। अगर वो रिटर्न्स थ्रेशोल्ड के नीचे हुए तो उस केस में दैट बिजनेस कैन गो बैंकरप्ट एंड डिफॉल्ट होगा उस केस में, राइट? तो हम लोगों ने बोला था हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस, वी हैव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेरा रिटर्न्स का एक मीन है विच इज स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू मार्केट फैक्टर, मेरा एक वेरियंस है विच इज 1 माइनस रो, एंड मेरा एक थ्रेशोल्ड है विच इज के एन इनवर्स पीडी। तो हमने कहा था अगर मेरे रिटर्न्स थ्रेशोल्ड के नीचे गए तो उस केस में डिफॉल्ट हो जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन द थ्रेशोल्ड, और आई कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ एसेट रिटर्न्स बिलो थ्रेशोल्ड। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे सॉल्व करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉल जी लेस देन, हम लोग क्या बोलते थे, एक्स माइनस मीन बाय सिग्मा, राइट? तो यहां पे के माइनस मेरा मीन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू एम डिवाइड बाय सिग्मा, ये मेरा वेरियंस है, तो सिग्मा क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो इस तरीके से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। शुरू में मेरा नॉर्म है, नॉर्म डिस्ट वो क्यों आएगा, बिकॉज मुझे प्रोबेबिलिटी में तो कन्वर्ट करना है, तो यहां पर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा ऑफ रिटर्न्स फॉलिंग बिलो द थ्रेशोल्ड गिवन द वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, ठीक है, गिवन द वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर। तो उससे मेरा क्या आएगा, वर्स्ट केस डिफॉल्ट रेट आ जाएगा। ये आपको याद रखना है बिकॉज इंटरव्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपसे पूछा जाएगा, और अभी जो हम जी स्कोर मेथोडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो स्टेप्स में लिखते हैं, आके लिखना प्लीज। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, ये तो हमने लास्ट क्लास से रिकॉल किया बिकॉज इसको मैं यूज करने वाला हूं, अब मैं स्टेप लिखना शुरू कर रहा हूं। स्टेप नंबर वन लिखो प्लीज, कंप्यूट जी स्कोर्स कंप्यूट जी स्कोर्स लिखो एट पूल और स्टेज लेवल, एट पूल और स्टेज लेवल, एट पूल और स्टेज लेवल, या दूसरा एट पोर्टफोलियो लेवल, आप जैसे मर्जी जी स्कोर निकाल सकते हैं। मैं दोनों अप्रोच के एग्जाम्पल आपको दिखाने वाला हूं कि पोर्टफोलियो लेवल का मतलब क्या है और पूल और स्टेज लेवल का मतलब क्या है, बट स्टेप वन इज कंप्यूट जी स्कोर्स, कंप्यूट जी स्कोर्स। अब मुझे सोच के बताओ, मेरे पास ये फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूला में थोड़ा सा वर्किंग करेंगे, मेरे साथ साथ लिखना प्लीज। सबसे पहले लिखो डब्ल्यू सी डी आर इज इक्वल टू एन ऑफ के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू मार्केट फैक्टर, या इसको ऐसे लिख लेते हैं, इनटू मार्केट फैक्टर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, लिख लो इसको। ये मेरा क्या है, डिफॉल्ट रेट, मुझे बताओ ये प्रोबेबिलिटी है या एक स्कोर है, इज दिस अ प्रोबेबिलिटी और इज दिस अ स्कोर, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी बिकॉज ये डिफॉल्ट रेट है और यहां मैंने नॉर्म डिस्ट यूज किया है। अच्छा, अगर मुझे वर्स्ट केस स्कोर निकालना हो तो निकाल सकता हूं, वर्स्ट केस स्कोर कैसे निकालूंगा, कैन आई से एन इनवर्स ऑफ एंटायर दिस, एन ऑफ दिस, या सिंपल भाषा में बोल ले अगर तो सिंपल के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू मार्केट फैक्टर बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, ये मेरा वर्स्ट केस स्कोर है। स्कोर, स्कोर मतलब स्मॉल जी वैल्यू, स्मॉल जी वैल्यू, जी वैल्यू के बेसिस पे तो आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो ना। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और उसके ऊपर एक्सेल में नॉर्म डिस्ट फंक्शन लगा दूंगा तभी तो मेरा प्रोबेबिलिटी आता है,
राइट, बट मुझे स्कोर चाहिए, मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए ही नहीं, तो जी स्कोर अगर मुझे चाहिए तो आई हैव टू जस्ट सॉल्व दिस येस और नो, प्लीज क्लियर करो इसको, क्लियर है कि नहीं है? आई एम कॉलिंग दिस वर्स्ट केस स्कोर, स्कोर क्लियर नहीं हुआ, सिंपल। देखो मैं यहां पर खाली इतना एक्सप्रेशन अगर लिखा, प्रोबेबिलिटी जी लेस देन के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू एम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस रो, मुझे बताओ इज दिस अ वैल्यू ऑफ जी और इज दिस अ प्रोबेबिलिटी? खाली ये एक्सप्रेशन बताओ, खाली ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके जी का वैल्यू आता है या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आता है? जी का वैल्यू आता है, उसी को मैं स्कोर बोल रहा हूं शिक्षा, उसी को मैं स्कोर बोल रहा हूं, स्मॉल जी नॉट कैपिटल जी, उसी को मैं स्कोर बोलना चाह रहा हूं। मैं सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी दे रहा हूं ताकि आगे जाके चीजें क्लियर हो, बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरिया है तो अपने को टर्मिनोलॉजी मिलेगी तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज नोटेशंस में फंस जाएंगे, राइट? तो आई एम जस्ट कॉलिंग दिस स्कोर, ये मेरा स्कोर है एक तरह से, और उस स्कोर के बेसिस पे मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। आप सबको पता है स्कोर एंड प्रोबेबिलिटी में एक रिलेशन होता है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इसको वर्स्ट केस स्कोर बोल रहा हूं, क्लियर है अब ये? अच्छा, वर्स्ट केस स्कोर के लिए मैंने एम का कौन सा वैल्यू यूज किया होगा, एम का कौन सा वैल्यू यूज किया होगा वर्स्ट केस वैल्यू? तो आई एम राइटिंग दिस वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, फेयर इनफ। और उससे मेरा क्या आया, वर्स्ट केस स्कोर। कोई मुझे सोच के बताओ, अगर मुझे वर्स्ट केस स्कोर नहीं निकालना, पॉइंट इन टाइम स्कोर निकालना है, पॉइंट इन टाइम स्कोर, तो क्या अलग होगा फॉर्मूला में, क्या अलग होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, क्या चीज अलग होने वाली है? मार्केट फैक्टर, एक्सीलेंट। कहना इससे अब मैं वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर नहीं लूंगा, अब मैं पॉइंट इन टाइम वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर लूंगा, येस और नो? अगर पॉइंट इन टाइम अच्छा है तो अच्छा भी हो सकता है, अगर वो खराब है तो खराब भी हो सकता है। तो नाउ आई विल टेक पॉइंट इन टाइम वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, पॉइंट इन टाइम वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, ये क्लियर है, पॉइंट इन टाइम वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, ठीक है? तो नाउ आई एम कॉलिंग दिस पीआईटी स्कोर, या इसको लोग पीआईटी इंडेक्स भी बोलते हैं, जो मर्जी बोल लो, वर्स्ट केस स्कोर, वर्स्ट केस इंडेक्स, पीआईटी स्कोर, पीआईटी इंडेक्स। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर, क्लियर है। मुझे मीन निकालना है पीआईटी स्कोर का, मीन ऑफ पीआईटी स्कोर क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का मीन क्या होगा मुझे बताना। मार्केट फैक्टर का मीन क्या होता है, मार्केट फैक्टर का मीन क्या होता है, आप उस क्लास में करके आए हैं। मार्केट फैक्टर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू जीरो, एक्सीलेंट शिक्षा, एंड एच डी इक्वल टू वन, राइट? खाली मार्केट फैक्टर की बात कर रहा हूं सचिन, खाली मार्केट फैक्टर की। तो मार्केट फैक्टर इटसेल्फ फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन इक्वल टू जीरो एंड एच डी इक्वल टू वन, राइट? तो इसका मीन जीरो, एच डी वन है, तो ये क्या हो जाएगा, के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस रो, बिकॉज अगर इसका मीन जीरो है तो जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो मेरा मीन ऑफ पी आई टी स्कोर कितना आया, के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस रो, ये क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली मुझे सोच के बताओ, व्हाट इज द सिग्मा या व्हाट इज द एसडी ऑफ पीआईटी स्कोर, एसडी ऑफ पीआईटी स्कोर कोई बताएगा सोच के? कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, कांस्टेंट का वेरिएंस, कांस्टेंट का वेरिएंस क्या होता है, जीरो। इस पूरे एक्सप्रेशन का वेरिएंस क्या होगा, इस पूरे एक्सप्रेशन का वेरिएंस, एम का वेरिएंस इज वन एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ रो का स्क्वायर विच इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस रो का स्क्वायर विच इज अगेन वन माइनस रो, एंड माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा तो पॉजिटिव वन। तो कहना इससे माय वेरिएंस इज इक्वल टू, वेरिएंस इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय वन माइनस रो, तो एच डी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस रो, यस और नो? सिंपल है, मैंने कुछ हाई फाई चीज किया अभी तक नहीं, सिंपल चीज किया, राइट? क्लियर है ये, सिंपल, एक्सीलेंट। नाउ अगर मुझे इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है,
मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं यहां पर, के है और स्क्वायर रूट ऑफ रो है, के है और स्क्वायर रूट ऑफ रो है। मेरे पास अगर पीआईटी स्कोर आ जाए और मैं मीन एचडी निकाल लूं तो क्या मैं के और स्क्वायर रूट ऑफ रो निकाल सकता हूं? द आंसर इज यस। कैसे करेंगे अभी डेटा में जब दिखाऊंगा, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। हम लोगों को पैरामीटर्स निकालने हैं, दो पैरामीटर्स है मेरे पास, के है और स्क्वायर रूट ऑफ रो है, राइट। और मेरे पास अगर पीआईटी स्कोर हो, उसका मीन है और उसका एचडी है, तो यूजिंग दीज टू इक्वेशंस कैन आई फाइंड आउट के एंड स्क्वायर रूट ऑफ रो? द आंसर इज यस। तो मैं के निकालता हूं, के क्या होगा, के इज इक्वल टू मीन ऑफ पीआईटी स्कोर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, ठीक है। और रो क्या होगा, रो क्या होगा, इसको जब आप वर्क अराउंड करोगे ना, इसको मैं सिग्मा बोल रहा हूं, तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, करके देख लेना, बहुत सिंपल है। मतलब दोनों तरफ स्क्वायर लो, यहां सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो हो जाएगा। जब आप वर्क अराउंड करोगे तो आपका रो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर। शिक्षा इज सेइंग एचडी क्लियर नहीं हुआ, बहुत इजी है शिक्षा, वेरियंस ऑफ पीआईटी स्कोर इज इक्वल टू वेरियंस ऑफ के माइनस वेरियंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू एम डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। इज दिस क्लियर शिक्षा, ये क्लियर है? कॉन्स्टेंट का वेरियंस क्या होता है, कॉन्स्टेंट का वेरियंस बताओ प्लीज, दिस इज जीरो। वेरियंस ऑफ एम क्या है, एम एक रैंडम वेरिएबल है विच इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन ऑफ जीरो एंड वेरियंस ऑफ वन। तो व्हाट इज द वेरियंस ऑफ एम, वन, ओके। व्हाट इज द वेरियंस ऑफ अ कॉन्स्टेंट इन टू रैंडम वेरिएबल, तो कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बाहर आता है, राइट, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बाहर आएगा, तो इसका स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा, रो इन टू वेरियंस ऑफ एम, कोरिलेशन इज अ कॉन्स्टेंट, राइट। व्हाट इज द वेरियंस ऑफ कॉन्स्टेंट, ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, शिक्षा इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बी 1 माइनस रो। आप इसको ऐसा सोचो, वेरियंस ऑफ, आई एम राइटिंग लाइक दिस, नाउ टेल मी आप इसको अलग से कैसे कर सकते हो बाहर, राइट। तो इसका मेरा कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बाहर आया विच इज रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो एंड वेरियंस ऑफ एम इज इक्वल टू 1, तो वही मैंने यहां पे लिखा है, रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो, एच डी क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट। इज दिस क्लियर नाउ शिक्षा, आप इस कॉन्स्टेंट को ऐसे अलग नहीं कर सकते, वो डिविजन में है इसके साथ, राइट, ओके। तो मैंने यहां से के निकाल लिया और रो निकाल लिया, सिंपल। एक बार वापस से रिवाइज कर रहे, बहुत ही सिंपल है, आप फालतू में टेंशन ले रहे हो। मेरा वर्स्ट केस डिफॉल्ट रेट का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू एम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। यहां पर मेरा जो ये पूरा एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट ऑफ रो वाला, दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन लोन्स एंड मार्केट, सिंपल। मैं बोल रहा हूं वर्स्ट केस स्कोर, जी वैल्यू को, स्मॉल जी वैल्यू को वर्स्ट केस स्कोर बोल रहा हूं, तो वो मेरा क्या हो गया, के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू एम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। ये एम जो है ना, वो क्या दर्शा रहा है, वो दिखा रहा है आपका वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, वर्स्ट केस वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर, दैट इज माय एम। मुझे वर्स्ट केस स्कोर नहीं निकालना है, मुझे पॉइंट इन टाइम स्कोर निकालना है, तो पॉइंट इन टाइम स्कोर क्या होगा, के माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रो इनटू एम डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। यहां पे फर्क सिर्फ ये हो जाएगा कि अब आप वर्स्ट केस वैल्यू नहीं लेके चलोगे, पॉइंट इन टाइम वैल्यू लेके चलोगे मार्केट फैक्टर का। अब ये पीआईटी स्कोर का मुझे मीन निकालना है, तो मीन इज सिंपली के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, के डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, वो मेरा मीन आ गया, बिकॉज सेकंड एक्सप्रेशन जो है पूरा उसमें मेरा मीन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज एम फॉलोज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन जीरो एंड वेरियंस वन, ठीक है। फिर हमने वेरियंस निकालना था, तो मैंने एक्सप्रेशन में डाला वेरियंस ऑफ के माइनस वेरियंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रो इंटू एम डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। इसको आप ऐसे सोच लो, वेरियंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो इंटू एम, तो ये कॉन्स्टेंट इंटू रैंडम वेरिएबल हो गया, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर बाहर जाएगा, तो रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो, एंड वेरियंस ऑफ एम क्या है, 1, तो रो डिवाइड बाय 1 माइनस रो, एंड इसका एचडी क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ रो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। अब मैं बोल रहा हूं मेरे को दो पैरामीटर्स चाहिए, के चाहिए और
स्क्वायर रूट ऑफ रो चाहिए, ये मेरे दो पैरामीटर्स है, या रो चाहिए बोल लो, स्क्वायर रूट तो निकल ही जाएगा। तो उस केस में अगर मेरे पास मीन हो पीआईटी स्कोर का और एसडी हो तो के मैं इजिली निकाल सकता हूं, वही मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं। के इज इक्वल टू सिंपल वर्क अराउंड किया, मीन ऑफ पीआईटी स्कोर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, एंड मेरा रो क्या हो गया, अगर आप इसको थोड़ा सा वर्क अराउंड करेंगे तो वो आएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर। अब ये क्लियर है मुझे बताओ प्लीज, क्लियर है? नाउ थोड़ा सा कंफ्यूजन होने वाला है, ये जो जी स्कोर मेथोडोलॉजी है ना उसमें ये मार्केट फैक्टर को कैपिटल जी बोलते हैं, स्मॉल जी और कैपिटल जी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है? जी स्कोर मेथोडोलॉजी में हम लोग इसको कैपिटल जी से डिनोट करेंगे ना कि एम से। सो नाउ आई विल से पीआईटी स्कोर इज इक्वल टू के माइनस क्लियर है ये, किसी को लिखना है तो यहां पे लिख देना, डिनोटिंग मार्केट फैक्टर एज कैपिटल जी, कैपिटल वर्ड लिखना, डिनोटिंग मार्केट फैक्टर एज कैपिटल जी। पहले जो हमने बोला वो स्मॉल जी था, जो स्कोर बोला हमने, दिस स्कोर इज योर स्मॉल जी, नाउ आई एम कॉलिंग दिस मार्केट फैक्टर एज कैपिटल जी, द सिस्टमैटिक फैक्टर, राइट? मुझे निकालना क्या है जी स्कोर मेथोडोलॉजी में, मुझे जी निकालना है, जी निकालना है। तो जी कैसे निकालूंगा, कैन आई से जी विल बी के माइनस पीआईटी स्कोर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रो, कर सकते हो ये सॉल्व? आपको जी अगर निकालना है तो कैन यू सॉल्व दिस एंटायर एक्सप्रेशन, राइट? तो अगर मेरे पास ये निकल चुका है, मेरे पास ये निकल चुका है, ये मेरे पास ऑलरेडी था, क्या मैं जी निकाल सकता हूं? ये जी है क्या बताना प्लीज वर्ड्स में, ये जी है क्या, ये जी क्या शो कर रहा है, ये जी क्या शो कर रहा है? एक्सीलेंट, द पॉइंट इन टाइम वैल्यू ऑफ मार्केट फैक्टर। अभी इसको मैं आपको एक्सेल में दिखाऊंगा ना, आपको एक मिनट में समझ में आ जाएगा, एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक्सेल में मेरे पास यहां पर टाइम सीरीज डेटा अवेलेबल है डिफॉल्ट रेट्स का, दिस इज माय कॉलम बी, दिस इज माय कॉलम बी, कैन आई कॉल दिस कॉलम बी एज वर्स्ट केस डिफॉल्ट रेट और पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट और वर्स्ट केस डिफॉल्ट स्कोर और पॉइंट इन टाइम स्कोर? ये कॉलम बी क्या शो कर रहा है, ये रेट है, रेट रेट, राइट? और हर एक साल का कॉरेस्पॉन्डिंग रेट है, तो आई कैन कॉल इट पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट, मैं बोल सकता हूं इसको, एक्सीलेंट, पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट। अच्छा, अगर मैं आपको पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट दे दूं, क्या आप पॉइंट इन टाइम स्कोर निकाल सकते हो? पॉइंट इन टाइम स्कोर निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे प्लीज शिक्षा टेल मी? अगर मैं आपको पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट दे दूंगा तो पॉइंट इन टाइम स्कोर कैसे निकलेगा, पॉइंट इन टाइम स्कोर कैसे निकलेगा? नॉर्म इनवर्स करके मैंने यहां पर यही किया, मैंने यहां पे नॉम इनवर्स कर दिया, यू कैन सी नॉम एस इनवर्स ऑफ दिस कॉलम बी विच इज माय पॉइंट इन टाइम स्कोर। अब ध्यान से समझो, ये पॉइंट इन टाइम स्कोर ऑब्वियसली आप अगर देखेंगे इसको, मैं प्लॉट करता हूं दोनों को, ये मेरा डिफॉल्ट रेट है और ये मेरा पॉइंट इन टाइम स्कोर है, दोनों सिमिलर है बिल्कुल, राइट? बिकॉज स्कोर से आप कभी भी प्रोबेबिलिटीज तो निकाल ही सकते हो, तो मैं सिर्फ उसका स्केल चेंज कर रहा हूं फ्रॉम प्रोबेबिलिटी फ्रॉम डिफॉल्ट रेट टू स्कोर्स यूजिंग नॉम इनवर्स, राइट? तो ये मेरा किसका प्लॉट है, डिफॉल्ट रेट्स का, ये कॉरेस्पॉन्डिंग मेरा स्कोर्स का प्लॉट है, क्लियर? इसको मैं पॉइंट इन टाइम स्कोर या पॉइंट इन टाइम इंडेक्स बोल रहा हूं। नाउ अगर मेरे पास हिस्टोरिकल डेटा है पॉइंट इन टाइम स्कोर का, क्या मैं मीन निकाल सकता हूं पॉइंट इन टाइम स्कोर का और एसडी निकाल सकता हूं? यस yes, तो मैं यहां पे मीन और एसडी निकालता हूं। मैंने मीन निकाला है, देखिए इस कॉलम का मीन निकाला है इन J5 द मीन ऑफ पीआईटी स्कोर, और मैंने यहां पे एसडी निकाला है सिंपल एवरेज फंक्शन यूज करके और एसटीडी ईवी डॉट एस फंक्शन यूज करके मीन और एसडी निकाला है इन दिस
जे फाइव एंड जे सिक्स कॉलम। अच्छा, अगर मुझे मीन एंड एसडी मिल गया, क्या आप के और रो निकाल सकते हो? यस, के क्या होगा? सिंपल, मीन ऑफ पीआईटी स्कोर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, और रो क्या है? सिग्मा स्क्वायर बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर। तो पहले मैं रो निकालता हूं, रो मैंने निकाल दिया कैसे? सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस सिग्मा स्क्वायर। और के क्या होगा? मीन ऑफ पीआईटी स्कोर इंटू, क्या लिखा है फॉर्मुला में, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो। क्लियर? यहां तक क्लियर है? ये पूरा चीज मैंने अगर कर लिया, ये पूरा चीज अगर मैंने कर लिया, तो मैं जी निकाल सकता हूं, जी कैपिटल जी, ये मेरा मार्केट फैक्टर है, मार्केट फैक्टर, सिस्टमैटिक फैक्टर। तो कैपिटल जी मैंने यहां पे कैसे निकाला, देख लो, पूरा सेम फॉर्मूला मैंने यूज किया है जो मैंने लिखवाया है आपको। के माइनस, आप देख लो, के माइनस पीआईटी स्कोर, पीआईटी स्कोर मेरा ये है दिस कॉलम, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस रो, द होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ रो। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा मार्केट फैक्टर का वैल्यू आ गया, मार्केट फैक्टर का वैल्यू। अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ना, मुझे बताओ, सोच के बताना, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, जब डिफॉल्ट रेट्स हाई है तो मार्केट फैक्टर का वैल्यू लो आएगा या हाई आएगा? जब डिफॉल्ट रेट्स हाई है तो मार्केट फैक्टर का वैल्यू, सपोज मार्केट फैक्टर में मैं जीडीपी लेके चल रहा हूं, तो मार्केट फैक्टर का वैल्यू लो आएगा या हाई आएगा? जब डिफॉल्ट रेट्स हाई है तो मार्केट फैक्टर का वैल्यू लो आएगा या हाई आएगा? सपोज मार्केट फैक्टर मेरा जीडीपी है, लो आएगा। एक बारी प्लॉट करके दिखा रहा हूं, प्लॉट कैसा आ रहा है इसका, बिल्कुल उल्टा आ रहा है, कैन यू सी, बिल्कुल उल्टा आ रहा है। तो लॉजिकल है या नहीं है, लॉजिकल है या नहीं है? बिल्कुल लॉजिकल है, बिकॉज मार्केट फैक्टर जब लो होगा, जब इकोनॉमी खराब चल रही है, उसी टाइम पे मेरा डिफॉल्ट रेट्स हाई होंगे। तो हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, जी स्कोर मेथोडोलॉजी में मैं एक्चुअल हिस्टोरिकल डिफॉल्ट रेट्स का डेटा लेके चल रहा हूं और उसमें से मार्केट फैक्टर निकाल रहा हूं कि क्या क्या मार्केट फैक्टर रहे थे, क्या क्या मार्केट फैक्टर रहे थे अगेंस्ट ईच डिफॉल्ट रेट। अगर वो मुझे मार्केट फैक्टर मिल गया, ये मार्केट फैक्टर का एक वैल्यू मिल गया, क्या मैं इसको मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ रिग्रेस नहीं कर सकता? आई कैन रिलेट इट टू सम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे यहां पर मैंने दो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लिए, अनएम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग प्राइस ग्रोथ। बट मेरा पहला स्टेप क्या था, मुझे जी स्कोर कंप्यूट करने एक्चुअल डिफॉल्ट रेट से। तो वो जी स्कोर सबको समझ में आया? अब एक प्लॉट बना दो, नीचे में प्लॉट बना दो जिसमें आप डिफॉल्ट रेट्स का प्लॉट बना रहे हो और उसका ठीक उल्टा मार्केट फैक्टर का प्लॉट बना रहे हो, ऐसा दोनों प्लॉट बना दो प्लीज। जी स्कोर का प्लॉट, ये कैपिटल जी स्कोर का प्लॉट नीचे वाला है और यहां पे डिफॉल्ट रेट्स का प्लॉट है। करना प्लीज, लिखना। उसके बाद वी कैन क्लियरली सी दैट व्हेन द डिफॉल्ट रेट्स आर हाई, द मार्केट फैक्टर इज लो, इंडिकेटिंग पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। वी कैन क्लियरली सी दैट व्हेन द डिफॉल्ट रेट्स आर हाई, द मार्केट फैक्टर इज लो, इंडिकेटिंग पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। So we can say that capital Z, हर जगह capital Z लिखना, otherwise confused हो रहोगे। So we can say that capital Z shows shows the macroeconomic condition of the economy. So we can say that capital Z shows the macroeconomic condition of the economy. मुझे यह समझ में आ गया कि यह मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन को शो कर रहा है, बट एग्जैक्टली मैं क्या वेरिएबल्स निकाल पाया हूं कि मेरे मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हैं? द आंसर इज नो। उसके लिए मुझे एक रिग्रेशन मॉडल बिल्ड करना होगा
और मुझे रिलेशनशिप बिल्ड करना होगा इस जी का मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ। उसका यूज क्या आपको आगे समझ में आ जाएगा, बट मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे यह समझ में आ गया कि हाँ जी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को शो कर रहा है, बिकॉज जब जी खराब है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस खराब है, तब मेरा डिफॉल्ट रेट हाई आया है। बट एग्जैक्टली क्या वेरिएबल्स हैं मेरे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, क्या वो मुझे यहां पे पता लग रहे हैं? द आंसर इज नो। तो वो मुझे नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करना है। तो स्टेप टू लिखो प्लीज, स्टेप टू लिख दो, रिग्रेस दीज जी स्कोर्स, रिग्रेस दीज जी स्कोर्स विद मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, रिग्रेस दीज जी स्कोर्स विद मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। And find out the combination of those explanatory variables. And find out the combination of those explanatory variables which explain the macroeconomic conditions well. And find out the combinations of those macroeconomic variables which explains the macroeconomic conditions well. That explains the macroeconomic conditions well. यहां पे मैंने क्या किया, मैंने दो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिए, कौन कौन से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हाउसिंग प्राइस ग्रोथ रेट, राइट। और मैंने रिग्रेशन मॉडल बिल्ड किया, उसके बाद रिग्रेशन मॉडल फिट किया जी स्कोर के बेसिस पे और ये अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग प्राइस ग्रोथ। इनफैक्ट मैंने जी स्कोर और हाउसिंग प्राइस ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट का नहीं किया, मैंने अनएम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग प्राइस ग्रोथ का एक लैग लिया, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अगर प्रीवियस क्वार्टर में अनएम्प्लॉयमेंट हुआ होगा तो उसका इंपैक्ट इस क्वार्टर में आएगा, लोग पैसा पे नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एक क्वार्टर जितना तो सेविंग भी रहता है ना सबके पास, एक क्वार्टर जितना तो सबके पास सेविंग भी रहेगा, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल रन अ रिग्रेशन बिटवीन द लैग ऑफ हाउसिंग प्राइस ग्रोथ एंड द लैग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट का लैग है और हाउसिंग प्राइस ग्रोथ का लैग है, राइट। और ये मेरे जी स्कोर्स है, सेम लास्ट शीट से आए हैं, जी स्कोर्स ठीक है, ये दूसरे मेथड से निकाला हुआ है, एक बार ये आपको इस मेथड से करके दिखा रहा हूं। इक्वल टू दिस इज माय जी स्कोर, ये मेरा अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाउसिंग प्राइस ग्रोथ और ये उनके लैग वैल्यू, ये उनके लैग वैल्यू ठीक है, लैग वन मैंने लिया है यहां पे लैग वन। उसके बाद रिग्रेशन मॉडल फिट करूंगा, डेटा में गया, डेटा में जाके आई गो टू डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस में जाके आई गो टू रिग्रेशन, ओके। रिग्रेशन में ये मेरा इनपुट वाई है, इनपुट वाई ठीक है, और मेरा इनपुट एक्स कौन कौन सा है, दीज टू आर माय इनपुट एक्स ठीक है। उसके बाद आउटपुट रेंज लेके चल रहे हैं, आउटपुट रेंज ले रहा हूं सपोज मैं इन न्यू वर्कशीट ठीक है, ओके। तो ये मेरा मॉडल आ गया, मुझे बताओ मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर अच्छी है या खराब है, मॉडल की एक्सप्लेनेटरी पावर अच्छी है या खराब है, 92.8% आया, बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब जो मैंने दो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स लिए हैं, कौन कौन से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हाउसिंग प्राइस का लैग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का लैग और हाउसिंग प्राइस ग्रोथ का लैग, वो बहुत अच्छे से मेरे मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मेरे पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ गया मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स का, that explains my macroeconomic conditions well. तो लिख देना आगे please. In our example, we found two macroeconomic variables. In our example, we found two macroeconomic variables. That is, unemployment rate lag one. Unemployment rate lag one and housing price growth lag one and housing price growth lag one
हाउसिंग प्राइस ग्रोथ लैग वन, हाउसिंग प्राइस ग्रोथ लैग वन टू एक्सप्लेन जी एंड द एक्सप्लेनेटरी पावर केम टू बी अराउंड 92%, एंड द एक्सप्लेनेटरी पावर केम टू बी अराउंड 92%। तो ये मेरा स्टेप टू हो गया। उसके बाद इक्वेशन लिख देना प्लीज, मेरा इक्वेशन लिख देना कैपिटल जी इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन आया है, 2.0618 प्लस 2.0618, पहले मेरा कौन सा वेरिएबल था, पहले था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सो ऑब्वियसली उसके साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो -38.01 इंटू अनएम्प्लॉयमेंट रेट लैग वन प्लस 26.66 इंटू एचपीआई ग्रोथ लैग वन। ये मेरा मॉडल आ गया, ये लिख दो प्लीज। स्टेप थ्री लिखो, स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में लिखो प्लीज, गेट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट्स, गेट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ लोन, गेट मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ लोन। मैं इमेजिन करके चलता हूं, सपोज मेरा पीरियड ऑफ लोन कितना बाकी है, लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, सपोज माई पीरियड ऑफ लोन इज अराउंड 8 quarters, 2 साल बाकी है, तो मैं 8 quarters का क्या करूंगा, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट निकालूंगा, 8 quarters का मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट निकाल सकता हूं कि नहीं, हर एक कंपनी के अंदर, हर एक बैंक के अंदर, हर एक कंसल्टिंग कंपनी के अंदर एक अलग से मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट की टीम होती है, जिसमें जनरली PhDs लोग रहते हैं एंड जिनका इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांग होता है, वो लोग आपको मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट देंगे, किस किस का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का और हाउसिंग प्राइस इंडेक्स का, ग्रोथ रेट का, राइट, और फिर आप उसका लैग तो ले सकते हो। तो मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट आपको मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट टीम देगी, उसको मैफ टीम बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एंड फोरकास्ट, ठीक है। स्टेप फोर, उसके बाद स्टेप फोर मेरे पास रिलेशनशिप है, स्टेप टू में मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट है, तो मुझे बताओ क्या मैं जी का, मार्केट फैक्टर का प्रेडिक्टेड वैल्यूज निकाल सकता हूं, जी का प्रेडिक्टेड वैल्यूज, यस और नो, यस, तो स्टेप फोर लिखो, लिखो बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट गेट फोरकास्ट्स ऑफ जी, बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट्स गेट फोरकास्ट्स ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी का अगर वैल्यू आ गया, सोच के बताओ, मेरे पास के का वैल्यू है, कोरिलेशन का वैल्यू है, कैपिटल जी का वैल्यू है, क्या मैं पॉइंट इन टाइम स्कोर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, पॉइंट इन टाइम स्कोर निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं, और अगर पॉइंट इन टाइम स्कोर निकल गया तो क्या मैं पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता, सिंपल, मुझे उसका क्या करना है, नॉर्म डिस्ट, राइट, अगर मेरे पास पॉइंट इन टाइम स्कोर आ गया
तो मैं इसका अगर नॉर्म डिस्ट कर दूंगा तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। स्कोर निकालना क्या अब डिफिकल्ट है? नहीं, बिकॉज मेरे पास कैपिटल जी का वैल्यू है, मेरे पास कोरिलेशन का वैल्यू है, मेरे पास थ्रेशोल्ड का वैल्यू है, के का वैल्यू है, सारा कुछ अगर है तो मैं फ्यूचर के नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स के पॉइंट इन टाइम स्कोर निकाल सकता हूं, और पॉइंट इन टाइम स्कोर से मैं पॉइंट इन टाइम पीडी निकाल सकता हूं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट गेट फोरकास्ट ऑफ जी। स्टेप 5 लिखो। लिखो, सिंस वी हैव के कॉमा रो कॉमा कैपिटल जी, वी कैन सिंपली प्लग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, वी कैन सिंपली प्लग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, वी कैन सिंपली प्लग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट पीआईटी डिफॉल्ट रेट्स। या डिफॉल्ट रेट्स तो हिस्टोरिकल डेटा के लिए यूज करते हैं, मुझे क्या यूज करना चाहिए? पीआईटी पीडी यूज करना चाहिए, दैट विल बी अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, पीआईटी पीडी। ठीक है, तो यहां पे मैंने यही किया हुआ है, मैं आपको शीट में दिखा रहा हूं। मेरे पास अगले 8 क्वार्टर्स का क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट का वैल्यू है, लैग में मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट का वैल्यू वो ले लिया मैंने, यहां पर भी ले ही सकता हूं, मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट का वैल्यू। ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट का वैल्यू कहां से आया? ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट वाली टीम देगी कि हाउसिंग प्राइस क्या होने वाले हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होने वाले हैं, आप अकॉर्डिंगली उसका लैग वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, लैग वैल्यूज, उसके बाद मैंने रिग्रेशन इक्वेशन में प्लग किया उसको, रिग्रेशन इक्वेशन में डाला। ये रिग्रेशन इक्वेशन अलग है बिकॉज एक और टेक्निक से हम लोग जी निकालेंगे, वो टेक्निक बताऊंगा, बट दोनों में मोटा मोटी रिजल्ट सेम ही आएगा। ठीक है, आपको वैल्यूज अलग दिख रही होंगी बट द फाइनल आंसर इज ऑलमोस्ट सेम। तो ये मेरा क्या आ गया? रिग्रेशन मॉडल से कैपिटल जी का वैल्यू आ गया। कैपिटल जी का वैल्यू अगर आ गया, मेरे पास के है, मेरे पास रो है, तो मैंने प्रीवियस शीट से के और रो को यूज किया और ये वैसिसेक फॉर्मूला को यूज किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिफॉल्ट रेट्स आ जाएंगे। सो दीज आर माई डिफॉल्ट रेट्स, दीज आर माई डिफॉल्ट रेट्स, और ये मेरे डिफॉल्ट रेट्स नहीं, दीज आर माई पीडीज एंड स्पेसिफिकली पीआईटी पीडीज। तो ये मेरा क्या है? जी स्कोर मेथोडोलॉजी। ये इतना ज्यादा फेमस क्यों है? बिकॉज वैसिसेक फॉर्मूला तो ऑलरेडी बाजल के लिए यूज हो रहा है, मतलब रेगुलेटर तो उसको अप्रूव कर रखा है कि वो फॉर्मूला करेक्ट है, और उसको हम यूज करके कुछ भी कंप्यूटेशन कर सकते हैं, इसीलिए सारी इंडस्ट्री जी स्कोर मेथोडोलॉजी यूज कर रही है, बिकॉज ये प्रोवन फॉर्मूला के बेसिस पे है, जो ऑलरेडी बाजल स्टैंडर्ड्स में फॉर्मूला गिवन है। अगर आप उसके बेसिस पे पॉइंट इन टाइम पीडी निकालोगे तो रेगुलेटर उसको रिजेक्ट ही नहीं करेगा। दैट इज द आइडिया ऑफ यूजिंग दिस जी स्कोर मेथोडोलॉजी। क्लियर है ये? अब बताओ प्लीज, इज दिस क्लियर? पूरा अप्रोच क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है? जी स्कोर निकाला, जी स्कोर को रिग्रेस किया मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के साथ, फिर मैक्रो इकोनॉमिक फोरकास्ट आपके पास आ जाएंगे, उससे आप वापिस से जी निकालोगे, जी आपके पास है, के आपके पास है, रो आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो? पीआईटी पीडी को निकाल सकते हो। पीआईटी डिफॉल्ट रेट नहीं बोलना चाहिए, पीआईटी पीडी बोलना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में नोट डाल के लिखना प्लीज, नोट डाल के लिखो। These PDs are called conditional probabilities of default. These PDs are called conditional probabilities of default. These PDs are called conditional probabilities of default because PDs are computed conditioned, because PDs are computed conditioned on the economic factors. PDs are computed conditioned
ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स. PDs are computed conditioned on the economic factors. Next लिखना आगे. ये तो मेरा सिर्फ क्या आया है, PD आया है अभी तक. क्या PD का टर्म स्ट्रक्चर आया है पूरा? Now आपको लग रहा होगा कि सर मेरे पास हर एक टाइम पीरियड में तो PD आ गया तो टर्म स्ट्रक्चर आ ही गया. इतना इजी नहीं है, इसको और इलेबोरेट करते हैं. लिखो आगे प्लीज. Is this a term structure of PDs that we have to use? Is this a term structure of PDs that we have to use? Is this a term structure of PDs that we have to use? Likhna. Not really. Not really. Likho. For IFRS 9, we need a term structure of unconditional PDs. For IFRS 9, we need a term structure of unconditional PDs. For IFRS 9, we need a term structure of unconditional PDs. While the PDs that we have got above are conditional PDs. While the PDs that we have got above are conditional PDs. तो बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा यहां पर कि अभी तो सर आपने ये समझाया कि हाँ हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट यूज करना है बिकॉज हमें पॉइंट इन टाइम चाहिए, वहां की मैक्रो इकोनॉमिक conditions को देखते हुए PD चाहिए. अब आप बोल रहे हो कि आपको टर्म स्ट्रक्चर चाहिए अनकंडीशनल PD का, तो कंफ्यूजन वाला बात नहीं है. कंडीशनल वर्ड ना दो एस्पेक्ट में यूज होता है, वो दोनों एस्पेक्ट अभी क्लियर हो जाएंगे जब समझाऊंगा. कंडीशनल एस्पेक्ट दो तरीके से यूज होता है, वो दोनों तरीका आपको समझना जरूरी है. अभी तक आपको कंडीशन का मतलब क्या बताया कि कंडीशनल ऑन द इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब कंडीशनल ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स, व्हाट इज द पीडी. तो नो डाउट ये जो मेरा पीडी है वो कंडीशनल ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है. तो ये मेरा कंडीशनल पीडी है. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि मुझे कंडीशनल पीडी नहीं चाहिए, अनकंडीशनल पीडी चाहिए. उसका मतलब क्या समझाता हूं. लेट मी ओपन वन एक्सेल शीट. एक सिंपल सा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल बता रहा हूं. इमेजिन करो मेरा लैम्डा है 2%. लैम्डा इज द हैजार्ड रेट. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में लैम्डा होता है ना, तो हैजार्ड रेट बोल लो या इसको डिफॉल्ट रेट बोल लो. डिफॉल्ट रेट, तो माय डिफॉल्ट रेट इज 2%. एज पर द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आई कैन फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट यूजिंग दिस लैम्डा. राइट, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता है? लैम्डा. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल, टाइम. राइट, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? टाइम. तो मैं यहां पे प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं कि एक साल के अंदर अंदर डिफॉल्ट होगा उसका क्या चांस है. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव पीडी ऑफ डिफॉल्ट हैपनिंग विद इन द नेक्स्ट वन ईयर. तो वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है बताना प्लीज. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1 - e^(-λ)t. राइट, एक्सपोनेंशियल का क्यूमुलेटिव पीडी होता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी होता है 1 - e^(-λ)t. ये एक्सपोनेंशियल का प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालने का. क्यूमुलेटिव मतलब अप टू दैट पॉइंट, अप टू दैट टाइम. तो अगर मेरे को एक साल के अंदर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है, सो आई विल से 1 - e^(-0.02)(1). अगर मुझे 2 साल के अंदर निकालना है तो 1 - e^(-0.02)(2). ऐसे करके मैं सपोज अगले 5 साल तक क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालना चाहता हूं. So 1 year के अंदर my cumulative PD is 1.98%. 2 years के अंदर obviously ज्यादा होगा, 3.92%. 3 years के अंदर क्या आ रहा है? 1 - e^(-0.02)(3). वही formula use किया, 1 - e^(-λ)t. तो वो आ रहा है मेरा 5.82%.
फोर ईयर्स के अंदर डिफॉल्ट करने का चांस है 7.69% एंड फाइव ईयर्स के अंदर डिफॉल्ट करने का चांस है 9.52%। ये सबको क्लियर है क्यूमुलेटिव पीडी, क्लियर है ये? अगर मैं क्यूमुलेटिव पीडी का डिफरेंस लेता हूं दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल पीडी। पहले साल में तो क्यूमुलेटिव अनकंडीशनल का बात ही नहीं है बिकॉज आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, इट इज 1.98%। सेकेंड ईयर का अनकंडीशनल पीडी क्या होगा? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू ईयर्स एंड वन ईयर क्यूमुलेटिव पीडी। तो वो है मेरा सेकेंड ईयर का डिफॉल्ट रेट, सेकेंड ईयर का पीडी 1.94%। सिमिलरली थर्ड ईयर का पीडी इज 1.90%। सिमिलरली फोर्थ ईयर का पीडी इज 1.86%। सिमिलरली फिफ्थ ईयर का पीडी इज 1.83%। एंड यहां पे मैंने एक आदमी खड़ा हुआ बनाया है, इसका मतलब क्या है? अनकंडीशनल पीडी का मतलब क्या होता है? यहां पर अनकंडीशनल का मतलब समझो, वो कंडीशन जो था ना मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेते हुए या मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस को ना लेते हुए, उसको भूल जाओ, वो अलग कंसेप्ट था, वो कंडीशनल वर्ड अलग था। अब मैं अनकंडीशनल कंडीशनल का नया मीनिंग बता रहा हूं आपको। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? स्टैंडिंग टूडे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि फर्स्ट ईयर में डिफॉल्ट होगा, स्टैंडिंग टूडे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट होगा, स्टैंडिंग टूडे मैं टूडे ही तो खड़ा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी थर्ड ईयर में डिफॉल्ट होगा, स्टैंडिंग टूडे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फोर्थ ईयर में डिफॉल्ट होगा, स्टैंडिंग टूडे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फिफ्थ ईयर में डिफॉल्ट होगा, राइट? दिस इज माय अनकंडीशनल पीडी। वन सेकेंड, तो दिस इज माय अनकंडीशनल पीडी। स्टैंडिंग टूडे आई एम फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट फॉर ईच ऑफ द नेक्स्ट फाइव ईयर्स, ठीक है? ये मेरा अनकंडीशनल पीडी हो गया। क्यूमुलेटिव सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी, अगर डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी 1.98% है तो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एक साल सर्वाइव करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - this 98.02%। अच्छा, दो साल सर्वाइव करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - now this 3.92%। तो ये आ गया मेरा 96.08%। सिमिलरली पांच साल तक डिफॉल्ट नहीं करेंगे या पांच साल सर्वाइव करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 - this विच इज 90.48%। तो दिस इज माय क्यूमुलेटिव सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। नाउ कंडीशनल पीडी का मतलब क्या है? पहले साल में तो कंडीशनल अनकंडीशनल का फर्क ही नहीं है, वो 1.98% है। सेकेंड ईयर में कंडीशनल का मतलब है मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट करने का, गिवन दैट ऑन द कंडीशन दैट मैं फर्स्ट ईयर सर्वाइव कर लिया हूं, बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट I have survived first year, so I want to find out the probability of defaulting in second year, given that I have survived first year. तो मतलब मैं कहां खड़ा हूं? मैं second year के beginning में खड़ा हूं ना, मुझे पता है मैंने पहला साल survive कर लिया, और अब अगर मैं probability निकालता हूं, उसको भी हम लोग conditional PD बोलते हैं। तो दोनों conditional word में confuse मत होना बिल्कुल भी, ठीक है? ये मेरा experience है और मैंने बहुत articles पढ़ पढ़ के माथा मार के चीजें सीखी हैं। इट्स नॉट समथिंग जो कहीं पे एक्सप्लिसिटली गिवन है, तो उसको एक्नॉलेज करो। ये कंडीशनल वर्ड का मतलब ये है कि बेस्ड ऑन द कंडीशन फर्स्ट ईयर सर्वाइव कर गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट की सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट होगा। यहां पे कंडीशनल पीडी का मतलब है कंडीशनल ऑन द फैक्ट कि आप फर्स्ट ईयर सर्वाइव कर गए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग इन द सेकेंड ईयर। ये कैसे निकलेगा? बेसिकली कभी भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं गिवन दैट, तो गिवन दैट मुझे बताओ मल्टीप्लाई होता है डिवाइड होता है? गिवन दैट मल्टीप्लाई होता है डिवाइड होता है? गिवन वाला चीज डिवाइड होता है हमेशा, राइट? सो आई वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग इन सेकंड ईयर, गिवन दैट वो फर्स्ट ईयर सर्वाइव कर लिया। तो मैंने कैसे निकाला? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्टिंग इन सेकंड ईयर डिवाइड बाय, बिकॉज गिवन दैट हमेशा डिवाइड होता है प्रोबेबिलिटी रूल्स में, गिवन दैट वो फर्स्ट ईयर सर्वाइव किया, फर्स्ट ईयर सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 98.02%। सो 1.94% डिवाइड बाय 98.02%, कितना आया? 1.98%। सिमिलरली अगर मैं यहां प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो इसका मतलब है मैं प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहा हूं कि एक पर्सन थर्ड ईयर में डिफॉल्ट करेगा, गिवन दैट वो सेकेंड ईयर तक सर्वाइव कर दिया, वो सेकेंड ईयर तक सर्वाइव कर लिया। सो नाउ आई विल फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी एज थर्ड ईयर में डिफॉल्ट करने का प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट मतलब डिवाइड बाय कि वो सेकेंड ईयर तक सर्वाइव किया। सिमिलरली फोर्थ में,
फोर्थ ईयर में डिफॉल्ट करने का प्रोबेबिलिटी गिवन दैट कि वो थर्ड ईयर तक सर्वाइव किया, एंड सिमिलरली लास्ट में फिफ्थ ईयर में डिफॉल्ट करने का प्रोबेबिलिटी गिवन दैट वो फोर्थ ईयर तक सर्वाइव किया। तो ये भी एक डिफरेंस है बिटवीन अनकंडीशनल एंड कंडीशनल पीडी। अनकंडीशनल पीडी में आप देख ही नहीं पा रहे कि आगे क्या हो रहा है। अनकंडीशनल पीडी में आप शुरू में ही खड़े होकर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, पहले साल में डिफॉल्ट करने का क्या चांस है, सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट करने का चांस, थर्ड ईयर में डिफॉल्ट करने का चांस, आप आज ही खड़े होकर ये जजमेंट निकाल रहे हो। यहां पर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल रहे हो सेकेंड ईयर में, गिवन दैट फर्स्ट ईयर में डिफॉल्ट कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल रहे हो थर्ड ईयर में, गिवन दैट सेकेंड ईयर तक सर्वाइव कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकाल रहे हो फोर्थ ईयर का, गिवन दैट थर्ड ईयर तक सर्वाइव कर लिया। ठीक है, एक बार लिखो प्लीज, इसको जल्दी से लिख दो, पूरे को जल्दी से नोट डाउन कर दो, वैल्यूज को नोट डाउन कर दो बस। जल्दी से नोट्स में नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट है। हो जाने के बाद बताना प्लीज। लैम्डा गिवन है 2%, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम लोग प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे हैं। फॉर्मूला लिखना है तो लिख देना, क्यूमुलेटिव पीडी का क्या है, 1 - e^(-λ)/t। अनकंडीशनल पीडी कैसे निकाला है, डिफरेंस ऑफ क्यूमुलेटिव पीडी। क्यूमुलेटिव सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला है, 1 - क्यूमुलेटिव पीडी। और कंडीशनल पीडी कैसे निकाला है, अनकंडीशनल पीडी ऑफ दैट ईयर डिवाइड बाय सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी अप टू प्रीवियस ईयर। अनकंडीशनल पीडी ऑफ दैट ईयर डिवाइड बाय सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस ईयर। कुछ ऑब्जर्वेशंस देखो, क्यूमुलेटिव पीडी हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज होता है, लॉजिकल है, तभी तो हमने बोला कंजर्वेटिज्म के लिए हमें लाइफ टाइम का पीडी निकालना है, राइट? तो या तो मैं सीधा ये क्यूमुलेटिव पीडी यूज कर सकता हूं 5 ईयर्स का, या मैं क्या कर सकता हूं, एक टर्म स्ट्रक्चर बना सकता हूं जिसमें हर एक साल का पीडी निकालूंगा। बट ऑब्जर्वेशन क्या है, क्यूमुलेटिव पीडी टाइम के साथ इंक्रीज होता है, लॉजिकल है। अनकंडीशनल पीडी टाइम के साथ डिक्रीज होता है, मीनिंग क्यूमुलेटिव पीडी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। अनकंडीशनल पीडी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, ये शो करता है कि क्यूमुलेटिव पीडी इंक्रीज तो होता है बट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। सिंपल ऑब्जर्वेशंस है। नाउ एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बोला, ये जो मेरा प्रोबेबिलिटीज आया है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट है। अब मैं सारा चीज ठीक से समझा पाऊंगा। कंडीशनल दोनों एस्पेक्ट में कंडीशनल है, दोनों एस्पेक्ट में। कैसे? पहला एस्पेक्ट, क्या इसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को मैंने इनकॉर्पोरेट किया है पीडी निकालते वक्त? यस। मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट है, यहां पे जो कंडीशनल वर्ड है उसका ट्रू मीनिंग आपको समझ में आएगा। पहला, आर दिस प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट कंडीशनड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स? आंसर दो यस और नो। आर दिस प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट कंडीशनड ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स? द आंसर इज यस। तो उस एस्पेक्ट में कंडीशनल है, दूसरे एस्पेक्ट में भी ये कंडीशनल है। मतलब मेरा ये वाला कॉलम है ना कि ये वाला कॉलम। वो कैसे, वो समझो। जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हो, ठीक है, डिफॉल्ट इज अ बर्नौले वेरिएबल, एक एक्स मेरा बर्नौले वेरिएबल है विच कैन टेक टू आउटकम्स, डिफॉल्ट या नॉन डिफॉल्ट, राइट? वहां से ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट आती है। जब भी आप एक पर्टिकुलर ईयर की प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हो, मुझे बताना सोच के सचिन, शिक्षा, आप उस ईयर के बिगनिंग में क्या एज्यूम करते हो,
What do you think? What do you assume at the beginning of that year? Have you survived or have you defaulted? Obviously, you are assuming that you have survived at the beginning. आप बिगनिंग तक सर्वाइव कर लियो ना, यू हैव सर्वाइव टिल द बिगनिंग, तब आप खड़े होकर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हो कि इस साल में मैं डिफॉल्ट करूंगा, राइट? जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकालते हो किसी भी पर्टिकुलर ईयर का या क्वार्टर का, तो आप ये मान के चलते हो कि आपके उसके बिगनिंग में आप खड़े हो, सर्वाइव्ड हो, तभी तो आप निकालते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. अगर आप डिफॉल्टिंग ही हो तब आप क्यों निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट? सो इट इज अ इनहेरेंट assumption, assumption नहीं बोलूंगा, it's an inherent concept that you are standing survived on day one of that particular period and then you are computing the probability of default. इसका मतलब ये probabilities of default जो सारी निकल रही है वो conditional, second वाले aspect में conditional हुई या unconditional हुई? Give me the answer. Conditional हुई, तो दोनों aspect में ये probabilities conditional है. But as per IFRS 9, जो फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसमें तो मुझे कंडीशनल ही चाहिए, बट सेकंड वाले में मुझे अनकंडीशनल चाहिए. मतलब आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस. उसका रीजन पता है क्या है? सिंपल रीजन है, आपको लाइफ टाइम पीडी निकालना है. या तो लाइफ टाइम सीधा ऐसे निकाल लो, या लाइफ टाइम के लिए टर्म स्ट्रक्चर निकालो, टर्म स्ट्रक्चर को एड कर दो. सोच के बताओ, क्या मैं इसको ऐड करूंगा तो क्यूमुलेटिव के इक्वल आएगा, या इसको ऐड करूंगा तो क्यूमुलेटिव के इक्वल आएगा? किसको आप ऐड कर सकते हो टू गेट क्यूमुलेटिव? मैथमेटिकली किसको आप ऐड कर सकते हो टू गेट क्यूमुलेटिव? कंडीशनल को या अनकंडीशनल को? यू कैन ऑलवेज ऐड अनकंडीशनल. उसी को तो ऐड करूंगा तभी तो क्यूमुलेटिव आती है. इन तीनों को ऐड करूंगा तभी तो क्यूमुलेटिव आएगा. यू कैन नॉट ऐड दीज टू गेट द क्यूमुलेटिव पीडी. यू ऑलवेज हैव टू ऐड द अनकंडीशनल पीडीज. सेकेंडली हम IFRS 9 में जब प्रोविजंस निकाल रहे हैं वो आज खड़े होके निकाल रहे हैं या हर एक फ्यूचर टाइम में जाते हैं हम लोग? आज खड़े होके निकाल रहे हैं या हर एक फ्यूचर टाइम में जाते हैं? IFRS 9 में जब प्रोविजंस निकाल रहे हैं आज खड़े होके निकाल रहे हैं, तो क्यों ना मैं आज का पीडी यूज करूं? आई हैव टू यूज अनकंडीशनल पीडी ना, बिकॉज मैं आज खड़े होके निकाल रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में डिफॉल्ट का चांस क्या है, सेकंड ईयर में डिफॉल्ट का चांस क्या है, थर्ड ईयर में डिफॉल्ट का चांस क्या है. आई एम नॉट मूविंग इन टाइम, आई एम स्टैंडिंग टुडे ओनली एंड देन फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफॉल्ट. ठीक है, तो इसको डिटेल में लिखते हैं. लिखो डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट वर्सेस अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. पहले हमने एग्जांपल लिख लिया, आप डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं. Detailed discussion of conditional probability of default versus unconditional probability of default. Likho, the PIT PDs that we have computed above, the PIT PDs that we have computed above are conditional PDs, are conditional PDs, are conditional PDs, comma, conditional in two aspects, comma, conditional in two aspects, conditional in two aspects. Aspect number one, aspect number one. These PDs are computed keeping macroeconomic conditions in mind. These PDs are computed considering macroeconomic conditions in mind. These PDs are computed considering macroeconomic conditions in mind. Aur dusra, whenever we compute the PD of any year, whenever we compute the PD of any year, we assume that we have survived till the beginning of that year. Whenever we compute the PD of any year, we assume that we have survived till the beginning of that year.
ठीक है, फिर जो फर्स्ट वाला एस्पेक्ट लिखा ना, लिखो एस्पेक्ट वन इज फाइन, एस्पेक्ट वन इज फाइन एज पर IFRS 9। बट फॉर एस्पेक्ट टू वी नीड टू कन्वर्ट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज इंटू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, वी नीड टू कन्वर्ट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज टू अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। Because unconditional probabilities can be added or can be cumulated. Because unconditional probabilities can be added or cumulated to find out the cumulative probabilities, to find out the lifetime probabilities, to find out the lifetime probabilities. Also, since we are doing the entire computation, standing today only, bracket mein and not moving in time, so we should take the unconditional probabilities of default. अगर आपका कंडीशनल पीडी का फॉर्मूला है अनकंडीशनल पीडी डिवाइड बाय सर्वाइवल टिल द बिगनिंग, तो मुझे बताना अनकंडीशनल पीडी का फॉर्मूला क्या होगा, अनकंडीशनल का फॉर्मूला क्या होगा, कंडीशनल पीडी इनटू सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी टिल द बिगनिंग, लिख देना प्लीज। देयरफॉर अनकंडीशनल प्रोबेबिलिटी is equal to conditional probability of that period into survival probability till the beginning of that period, unconditional probability of that period into survival probability till the beginning of that period. मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज गिवन है अगले 5 सालों का, एग्जांपल लिख दो प्लीज, नोट डाउन कर दो इसको। कंडीशनल पीडीज गिवन है, मेरी हेल्प करो इसको अनकंडीशनल में कन्वर्ट करने की, हेल्प करो प्लीज। फर्स्ट ईयर का अनकंडीशनल पीडी क्या होगा बताओ प्लीज, फर्स्ट ईयर का अनकंडीशनल पीडी क्या होगा, सेम, एक्सीलेंट, सेम होगा, सेम। अच्छा, यहां एक सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, सर्वाइवल फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सर्वाइवल पीडी कितना होगा, 1 माइनस दिस। क्यूमुलेटिव सर्वाइवल हमेशा किससे निकलेगा, अनकंडीशनल पीडीज को ऐड करके, राइट। अच्छा, सेकंड ईयर का मुझे बताओ अनकंडीशनल पीडी क्या होगा, इक्वल टू कंडीशनल पीडी ऑफ दैट ईयर इनटू
सर्वाइवल टिल द बिगिनिंग, यस और नो? यस, एक्सीलेंट। राइट, आप लोग लिखना पूरा फॉर्मूला क्या लगाया मैंने। अच्छा, सेकेंड ईयर तक सर्वाइवल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इक्वल टू वन माइनस दिस माइनस दिस, राइट। अगर मुझे दो साल तक सर्वाइव करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अनकंडीशनल पीडी को ऐड करके वन में से माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी। तो वही मैंने यहां पे किया है, वन माइनस दिस माइनस दिस। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है, राइट? या दिस माइनस दिस भी कर सकते हो, एक ही बात है। ये माइनस ये कर लो, एक ही बात है। बट मैं वो वाला प्रेफर करता हूं बिकॉज वो इजी रहेगा बाद में। तो आप वही लिखना, वन माइनस दिस माइनस दिस। अच्छा, थर्ड ईयर का अनकंडीशनल पीडी क्या होगा? कंडीशनल पीडी ऑफ दैट ईयर इनटू सर्वाइवल टिल द बिगिनिंग, ठीक है? और सर्वाइवल क्या हो जाएगा? वन माइनस, आई कैन डू अ सम ऑफ ऑल थ्री, नेक्स्ट इक्वल टू कंडीशनल पीडी इनटू सर्वाइवल टिल द बिगिनिंग, और यहां पे इक्वल टू वन माइनस सम। लास्ट कंडीशनल पीडी इनटू सर्वाइवल, एंड यहां पे वन माइनस सम ऑफ ऑल दीस। तो ये मेरा कॉलम क्या शो कर रहा है? क्यूमुलेटिव सर्वाइवल अंटिल द एंड ऑफ दिस पीरियड, अंटिल द एंड ऑफ वन ईयर, टू इयर्स, थ्री इयर्स, फोर इयर्स, फाइव इयर्स। और ये मेरा क्या है? आज खड़े होके पहले साल में डिफॉल्ट करने का चांस, आज खड़े होके सेकेंड ईयर में डिफॉल्ट करने का चांस, आज खड़े होके थर्ड ईयर में डिफॉल्ट करने का चांस। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? तो अगर आगे में कभी भी मुझे कंडीशनल पीडी मिलता है तो क्या मैं उसको अनकंडीशनल में कन्वर्ट करूंगा IFRS 9 के लिए? द आंसर इज येस। कैसे कन्वर्ट करूंगा मैंने आपको सिखा दिया। ये जो अप्रोच मैंने यूज की ना, इसको बोलते हैं बाइनोमियल मेथड। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल मेथड, कि आप सिर्फ दो स्टेट्स एज्यूम कर रहे हो, डिफॉल्ट एंड नॉन डिफॉल्ट, एंड उसके बेसिस पे आप ये अनकंडीशनल पीडी निकाल रहे हो। तो एग्जाम्पल के नीचे लिख देना, दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल मेथड, दिस इज कॉल्ड एज बाइनोमियल मेथड। मतलब कोई और मेथड भी होता है? यस, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लियर है पूरा कंसेप्ट जी स्कोर मेथडोलॉजी का? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार जब आप सीखते हो तो आपको एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ, हम पॉइंट इन टाइम डिफॉल्ट रेट निकाल रहे हैं, बिकॉज अभी तक हमने एवरेज सीखा है, टीटीसी सीखा है। पॉइंट इन टाइम जो निकालते हैं वो कंडीशनल है, दोनों एस्पेक्ट में कंडीशनल है। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को समझते हुए आया है, सेकेंडली हम लोग शुरू में एज्यूम करते हैं कि सर्वाइव कर लिए वहां तक, उसको हमें अनकंडीशनल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें टर्म स्ट्रक्चर ऑफ अनकंडीशनल पीडी चाहिए। क्यों अनकंडीशनल में? बिकॉज जब आप लाइफ टाइम का ईसीएल निकालोगे तो आपको लाइफ टाइम का पीडी चाहिए होगा। लाइफ टाइम का पीडी आप तभी निकाल सकते हो जब आप किसी दो नंबर्स को ऐड कर सको। तो अनकंडीशनल पीडी को आप ऐड कर सकते हो, वो एडिटिव होता है, बट कंडीशनल पीडीज को आप ऐड नहीं कर सकते मैथमेटिकली। सेकेंडली, आप IFRS 9 का प्रोविजन आज खड़े होकर निकाल रहे हो, आप थोड़ा ना टाइम के साथ मूव कर रहे हो। तो इन दैट केस यू हैव टू टेक अनकंडीशनल पीडी। कंडीशनल पीडी को अनकंडीशनल में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो आपको उस साल का कंडीशनल पीडी लेना है इनटू सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी टिल द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, टिल द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड। क्लियर है ये? तो आज अपने इतने रखते हैं, नेक्स्ट अपने अगली क्लास में करेंगे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, एंड लेट्स कनेक्ट होपफुली ऑन संडे। थैंक यू।